नमस्कार किसान भाइयों, आज हम देखने वाले हैं स्वराज का नया लॉन्च किया हुआ टारगेट ट्रैक्टर। स्वराज के सेगमेंट में ये सबसे छोटा और काफी अच्छा ट्रैक्टर बताया जा रहा है। तो क्या कुछ इस ट्रैक्टर में नया देखने को मिलने वाला है, इसके बारे में आज का ये पूरा वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखते सभी किसान भाइयों का ट्रैक्टर कारवा यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम देखने वाले हैं स्वराज का एक नया ट्रैक्टर जो छोटे सेगमेंट में बनाया है, जिसका नाम कंपनी ने दिया है टारगेट। अब ये किस किन चीज़ों को टारगेट कर रहा है, ये आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो पहले बात कर ले इस ट्रैक्टर के लुक की, तो ये काफ़ी अग्रेसिव लुक में ट्रैक्टर दिया हुआ है। इसका बोनट सिंगल शॉकअप पे ओपन होता है। सामने अगर आप देखेंगे तो बम्पर के ऊपर बैटरी, बैटरी के ऊपर रेडिएटर का रिजर्वर कूलेंट टैंक दिया हुआ है। टैंक के पास में ही आपको एक नेट मिल जाती है रेडिएटर को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कूड़ा कचरा कुछ भी हो ये इंजन के अंदर ना जा सके। बात करेंगे इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की, तो ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग और फोर व्हील ड्राइव में ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल काफ़ी बड़ा पावर हाउस ये स्वराज ट्रैक्टर ने दिया हुआ है। तो बात करेंगे इसके इंजन की, तो इस ट्रैक्टर में 29 HP का 3 सिलेंडर वाला 1331 सीसी का इंजन इस ट्रैक्टर में दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर में काफी स्पेस आपको मिल जाता है। अगर बात करेंगे इस ट्रैक्टर के गियर की, तो इसमें आपको 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर मिल जाते हैं, जिससे एक अलग ही परफॉर्मेंस इस ट्रैक्टर में देखने को मिलता है। बात करेंगे इस ट्रैक्टर की क्लच की, तो सिंगल ड्राई क्लच में मिलता है और ऑयल इमर्स ब्रेक भी इस ट्रैक्टर में आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग के नीचे ही आपको ये पीले कलर का PTO कंट्रोल लीवर मिल जाता है, जिसको दबाने पर आपको सिर्फ राउंड करना होता है, जिससे आप अपना PTO कंट्रोल कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो एक एडवांस फीचर इस ट्रैक्टर में हमें देखने को मिलता है। अब बात करें इस ट्रैक्टर के PTO लीवर की और हाइड्रोलिक लीवर की, तो इस ट्रैक्टर में 540 स्टैंडर्ड और 540 इकोनॉमिकल गियर आपको मिलता है। और बात करें हाइड्रोलिक की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक डिफ्ट और ड्राफ्ट कंट्रोल ये दोनों ऑप्शन इस ट्रैक्टर में मिल जाते हैं। अब बात करें सीट्स की, तो इस ट्रैक्टर को बड़ी सीट दी हुई है जो एडजस्टेबल है और काफ़ी कंफर्टेबल है ड्राइवर को ट्रैक्टर चलाने के लिए। इससे कोई भी ड्राइवर, किसी भी हाइट का ड्राइवर, बड़े आराम से घंटों तक चला सकता है। टारगेट 630 में आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी तगड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है। इसमें आप अपना ट्रैक्टर का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, RPM चेक कर सकते हैं, हावर्स भी चेक कर सकते हैं और ट्रैक्टर में फ्यूल कितना है ये भी चेक कर सकते हैं। साथ ही अदर इंडिकेशंस भी इसमें इंडिकेट करता है। टू व्हील ड्राइव और फोर व्हील ड्राइव का गियर आपको सीट के नीचे मिलेगा। साथ ही सीट को ओपन और क्लोज करने के लिए सीट के बिल्कुल नीचे ही आपको एक बटन मिलेगा, जिसको एक साइड लेने से आप खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं। सीट के राइट साइड में नीचे आपको इस ट्रैक्टर में डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा, जिससे इस ट्रैक्टर को जब भी ये फंसता है तो ये डिफरेंशियल लॉक बड़े काम में आता है, यानी कि एक गियर एक टायर की पावर दूसरे टायर को यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में आपको 27 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें स्वराज ने इस ट्रैक्टर में, टारगेट ट्रैक्टर में आपको दे दी है, जो आपको ट्रैक्टर चलाते समय किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो अब बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के वारंटी, लिफ्ट कैपेसिटी और वारंटी की। तो इस ट्रैक्टर में आपको 980 किलो की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिल जाती है। बात करेंगे इस ट्रैक्टर के वारंटी की, तो इस ट्रैक्टर में हमें 4500 घंटे यानी 4500 घंटे और 6 साल की वारंटी मिल जाती है। जो सबसे पहले होता है वो वारंटी पकड़ी जाती है। तो अब आखिर में बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की। तो इस ट्रैक्टर में फ्रंट वाला जो टायर है वो आपको मिलता है 180/85D12 में, और जो पिछले वाला टायर है वो आपको मिलता है 8/30/20, या दूसरा एक टायर इसमें ऑप्शनल मिल जाता है वो है 9/50/20 का। तो इससे इसकी वजह से ट्रैक्टर आपको चलाने में काफ़ी आसानी होती है। और स्वराज ने एक ऐसा ट्रैक्टर लॉन्च किया है जो काफ़ी ब्रांड को तोड़ देने वाला है और काफ़ी हद तक ये ट्रैक्टर धूम मचा देने वाला है मार्केट में। तो किसान भाइयों, ज़रूर बताइए ये ट्रैक्टर आपको कैसे लगा है। ट्रैक्टर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में
जरूर कमेंट कर देना। अगर इस ट्रैक्टर को आप खरीदना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी स्वराज डीलरशिप पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। या आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं या फाइनेंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जो वेबसाइट है www.tractorkarwa.com, या दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।